हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट फिल्टर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आयरलैंड वुमेन एंड बांग्लादेश वुमेन के बीच में जो T20 मैच का सीरीज होने वाला है उसके बारे में। तो उसका पहला मैच है फ्रेंड आज, तो हम चलते हैं डायरेक्ट हम न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक क्रिकेट बच्चे स्क्वाड लिया, तो आप इस स्क्वाड को रीड कर लेना फ्रेंड। और स्क्वाड के अंदर से कोई खेलेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा प्लेयर। और ये 14 मैन का वुमेन का स्क्वाड है, 14 वुमेन का बांग्लादेश का, 14 वुमेन का आयरलैंड वुमेन का है। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम 11 बनाई है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्रेंड, बांग्लादेश की 11 की बात करते हैं तो बांग्लादेश में शमीमा, पहले तो फ्रेंड मैं बांग्लादेश की बात बता दूँ आपको, अभी एशिया कप जीती है तो आप बिल्कुल बांग्लादेश को अंडर डॉग मत समझना। बांग्लादेश यहाँ पर अपर हैंड होगी आयरलैंड के मुकाबले, क्योंकि आयरलैंड की टीम बिल्कुल ही रद्दी है। तो यहाँ पर आप बांग्लादेश की टीम को ऊपर लेना। बांग्लादेश का आप 7-4 का रेशियो ले सकते हैं, यानी कि आप बांग्लादेश के 7 प्लेयर खिला सकते हैं, आयरलैंड के ओनली 4। तो फ्रेंड, बात करते हैं यहाँ पर बांग्लादेश के स्क्वाड की। तो फ्रेंड, शमीमा सुल्ताना जो ओपन करेगी, इनके विकेट कीपर है, बहुत ही फाइन बैट्समैन है फ्रेंड। और एशिया कप में 50 भी की थी इन्होंने। उसके बाद आयशा रहमान बड़े ही फास्ट रन बनाती है, ओपन आएगी। फिर आएगी निगार सुल्ताना, फिर आएगी फ्रेंड यहाँ पर फरहाना हक। तो फरहाना हक भी फ्रेंड बहुत ही अच्छी बैट्समैन है, आप इसको भी ले सकते हैं। इनकी कैप्टन आएगी फ्रेंड फिर सलमा सुल्ताना, फिर रुहाना अहमद फ्रेंड की ऑलराउंडर है, बहुत ही अच्छी क्लास प्लेयर है। उसके बाद जराना आलम, तुलकुबरा जो कि स्पिनर है, फहिमा खातून एंड नाहिदा अख्तर जो कि इनकी पेस बॉलर है। तो फ्रेंड, ये होगी इनकी कम्बिनेशन आज के मैच में। कुछ चेंज भी हो सकता है फ्रेंड, बट मैं कह नहीं सकता हूँ। जो मैं कुछ आपको 100% प्लेयर बताता हूँ। देखो, जो ये जिन पे मैं टिक कर रहा हूँ फ्रेंड, ये 100% है, 100 100 100 100 100 एंड नाहिद अख्तर। बाकी भाई भाई फहिमा खातून का मुझे थोड़ा डाउट है, बाकी फ्रेंड सारे 100% इसमें खेलेंगे, आप बिल्कुल उनको ले सकते हैं। फ्रेंड, आयरलैंड वुमेन की बात करते हैं फ्रेंड, बहुत ही बेकार इनका परफॉर्मेंस रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। बहुत ही अच्छी तरीके से न्यूजीलैंड ने इनको हराया था। T20 मैच की एक मैच हुआ था उसमें भी हराया था, एंड वनडे मैच भी हराया था। तो फ्रेंड, बात करते हैं T20 मैच। तो फ्रेंड, यहाँ पर सिलिंगटन आएगी पहले, एंड उसके साथ आएगी शेषा जॉयस जो कि फ्रेंड एड जॉयस की बहन है, एड जॉयस की सिस्टर है, काफ़ी अच्छा प्लेयर क्रिकेटर है यहाँ पे। तो फ्रेंड, यहाँ पे सिलिंगटन एंड सी जॉयस आएगी ओपनिंग। उसके बाद आएगी फ्रेंड किम ग्राथ। तो किम ग्राथ का फ्रेंड मुझे डाउट है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरे मैच में जो पिछला सीरीज हुआ था इनको इंजरी हुई थी, तो मुझे नहीं पता कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट आप इनको ग्रैंड एकेडमी में ट्राई कर सकते हो। किम ग्राथ बहुत ही अच्छी प्लेयर है। और उसके बाद आएंगे फ्रेंड यहाँ पे वॉलरन जो कि इनकी विकेट कीपर है। फिर आएगी ऑलराउंडर जी लेविस नाम से होगी ऑलराउंडर सेक्शन में। फिर आएगी आयशा जॉयस, फिर कनॉक, लॉरा डेनली जो उनकी कैप्टन है, फिर मार्टिज हो गई, कारामबुरे हो गई, और मैट क्लेफ या ई रिचर्डसन में से कोई एक खेलेगी। तो फ्रेंड, ये होगी इनकी प्लेइंग 11। बात करते हैं फ्रेंड जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वाड बनाई हुई इस मैच के लिए, ऑलरेडी प्लेइंग 11 जो यहाँ पर ड्रीम नोट की टीम बनाई है। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर रुहाना अहमद को डायरेक्टली कैप्टन कर दिया। रुहाना अहमद के साथ मैंने जी लेविस को मैंने वाइस कैप्टन कर दिया। तो फ्रेंड, जी लेविस ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ था वहाँ पे 45 बॉल में 61 रन मारे थे, और बॉलिंग भी करती फ्रेंड 3-4 ओवर पक्का करती है, तो वहाँ पर हमको फायदा मिल सकता है, तो इसलिए मैंने इसको वाइस कैप्टन किया। तो फ्रेंड, यहाँ वाइस कैप्टन तो आपको ऑप्शन है यहाँ पर अहमद या सैमा सुल्ताना को भी कर सकते हो, या लॉरा डेनली जो उनकी कैप्टन है उसको कर सकते हो, सिलिंग फोर्ड को कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शन है फ्रेंड। बट मैं यहाँ पर ज़्यादा कम्बिनेशन के साथ गया हूँ कि मैं यहाँ पर सिलिंग फोर्ड के साथ गया हूँ, डेनली, लॉरा डेनली एंड सी जॉयस, और साथ में लिखा है जी लेवी एंड मार्टिज फ्रेंड हर मैच खेलती है और अच्छा विकेट भी लेती है। तो फ्रेंड, मैं मार्टिज के साथ गया हूँ। यहाँ पर आप जा सकते हैं फरहाना हक, आयशा रहमान एंड सैमा सुल्ताना के साथ आप वॉलरन को भी रख सकते हैं, पर मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा वॉलरन को रखने के लिए, क्योंकि वॉलरन उतनी टैलेंटेड प्लेयर नहीं जितनी शमीमा सुल्ताना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर रुहाना अहमद एंड तुलकुबरा अच्छी स्पिन बॉलर है फ्रेंड, 100% खेलेगी मैच, एंड इनकी जो कैप्टन है खातून, तो सलमा खातून को मैंने यहाँ पर रखा है। तो फ्रेंड, ये हो सकती है, ये है मेरी आज की प्लेइंग 11। अगर यहाँ पर फ्रेंड मुझे कोई भी न्यूज़ मिलती है मैच से पहले, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, वो सबसे बेस्ट वे है आपसे कनेक्ट होने का। तो फ्रेंड, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ऐड कर, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उस पर ऐड हो जाना। अगर कुछ भी चेंजेस होता है फ्रेंड, मुझे किम ग्राथ की कोई न्यूज़ मिलेगी तो मैं आपको 100% दूंगा फ्रेंड। और फ्रेंड, जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता हूँ, तो फ्रेंड प्लीज़ मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक। और अगर वीडियो फ्रेंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, तो चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।